After that, we will write why main void. Clear? After that, we will start the body. This one is the preprocessor directives. And now we will going to start the body. Must be started with the curly brackets. Okay. And yahan pe hum suppose print f, take the output, must be in the quoted words, hello, clear, and terminated with semicolons. Got it? And must and end with the curly bracket. Ye automatically same language mein aa rahi hai. Now execute it, compile it. Okay, when you compile it, they ask to save it. Hello. They have the error. White ko nahi maan raha ye errors. Value nahi hai na. Okay. Again, this one is the error. Again, compile it. ठीक है ऐसे हमें एरर्स हाईलाइट करता है ये कंपाइल इट नाउ मैम में स्टार्ट यही से करना होता है हां हैश इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड बिल्कुल ये अभी अपने मैंने पढ़ाया अभी आपको सारा वो पहले थ्योरी पढ़ाई है ना उसमें कि कहां पे हमने इनपुट यूज करना है क्या हमारी मेन बॉडी है क्या वो है दिस ये है प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड क्लियर हम मोस्टली मैंने को बताया आपको मोस्टली वी विल यूज द हैश इंक्लूड हैश डिफाइन बहुत कम यूज करते हैं हम उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हम मोस्टली यूज करेंगे तो हेडर फाइल हम इसी की लेंगे दैट इज व्हाई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच क्लियर उसके बाद मेन बॉडी आ जाएगी मेन फंक्शंस एंड ये यहां पे ये है दिस वन द स्टेटमेंट दिस वन क्लियर दिस वन इज द स्टेटमेंट जो मैंने हाईलाइट की है ये और कर्ली ब्रैकेट हमारी यहां मेन बॉडी हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है कर्ली ब्रैकेट से क्लियर ओके नाउ लुक जीरो एरर्स एंड वार्निंग जीरोस हमारे एरर्स रिमूव हो गए अगेन गो टू एग्जीक्यूट कंपाइल एंड देन अगेन गो टू एग्जीक्यूट एंड रन इट ब्लैक स्क्रीन इज अपीयर्ड गाइस ब्लैक स्क्रीन आ रही है नो मैम नहीं आ रही इसको भी अलग से शेयर करना पड़ेगा Now, अब आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, अभी देखो मैंने वहां प्रिंट में मैंने क्या लिखा था हेलो ये हेलो आ रहा है हेलो